पुराना उदय और ये नया उदय, और ये मैं पुराना और ये मैं अभी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हो, सपोर्ट कर रहा हूँ, सबसे अच्छे हो गए, ठीक हो गए। तो गाइस आज फिर से हम राशन बांटने जा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं वहाँ से कहीं घूमने जाएंगे। तो अभी फिलहाल पीछे पैकिंग चल रही है और आज पारस आया हुआ है, बानू आया हुआ है, आशु भी आए हुए हैं, क्रिश आया हुआ है, तो अर्जुन और उदय भी आएंगे और बाकी भी काफ़ी वो लड़के से वो भी आएंगे। तो अभी पैकिंग चल रही है, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और आज का ब्लॉग काफ़ी अमेजिंग होने वाला, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो पूरा ब्लॉग देखिए एंड तक, और गाइस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ब्लॉग देखते हैं तो एंड तक देखिया करें, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। बट कुछ लोग हैं वो आधे ही ब्लॉग देखते हैं, उसके बाद ब्लॉग नहीं देखते, स्किप कर देते। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ब्लॉग कम्प्लीट देखिया करें। तो उसके बाद लाइक, अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आपको डिसलाइक करना, आप डिसलाइक करिए। ओके, तो यहाँ पर पीछे भी न्यूट्री पैक हो रही है और यहाँ पर अभी हमने आलू पैक किए हैं और पीछे पीछे किट्स हैं जो ये अभी हमने सारी तैयार की हैं। ये जितनी किट्स हैं ये 100+ किट्स हैं, ये अभी हमने तैयार की हैं और अभी इसके बाद ये किट्स हमने गाड़ी में डालनी है, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। हमारे बीच अब हमारे बड़े भैया पम्मी भी आ गए हैं। पता क्या करो, गाइज अब मैं आपको अपना और उदय का कुछ पुराना फोटो दिखाना चाहूँगा और अभी का दोनों आप देखना। अभी ये पुराना उदय और ये नया उदय, और ये मैं पुराना और ये मैं अभी, मतलब देखिए अब कितना डिफरेंस है हम दोनों पे। ये मैं पुराना, ये हमारे जुड़वा भाई है, ये उदय का जुड़वा भाई, ये मेरा। उदय भाई आपने हाय नहीं किया। हेलो गाइस, कैसे हो सब, करता बढ़िया हो गए। तो गाइस अब इस कार में किट्स पैक हो रही हैं, उसमें तो हो चुकी हैं, फॉर्चुनर में भी चुकी हैं। फॉर्चुनर आप देख सकते हैं कितनी डाउन हो चुकी है, इसमें भी किट्स पैक हो रही हैं। तो गाइस ये कार में भी किट्स वगैरह डाल चुके हैं और इसमें भी किट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। तो गाइस ये हमारा आरिफ भी है, खोलो इसको आरिफ भी है, खोलो ना, खोलो ना इधर से। ये हमारे आरिफ भी हैं, आरिफ हेलो कर दो। और ये पीछे जो है पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं, इसका फुल है आटे से। और अब इसको आगे से देखिए कितनी ऊपर, और यहाँ से देखिए कितनी नीचे, और ये अर्ज में आ गया इस टाइम। इसका आप देखिए कितनी, मतलब कितनी डाउन हो चुकी है इसकी, ऐसे तो ये बहुत ऊपर है वो देखिए। तो यहाँ देखिए ये, वो देखिए कितना यहाँ पे, इधर इतना है, इतना काफ़ी ज़्यादा इसमें वेट पड़ चुका है, इस वजह से पीछे से डाउन हो चुकी है और इधर आगे से ऊपर। निकल चुके हैं और अभी हम यहाँ रुके थे पेट्रोल पंप तेल डलवाने के लिए, लेकिन यहाँ काफ़ी जाम लगा हुआ, तो हम आगे पेट्रोल पंप से डलवाएंगे। मेरे साथ रोहित भाई हैं और अभी हम जाएंगे आगे के राशन बांटेंगे। तो आप देख सकते हैं पीछे पूरा जो है ये भी राशन से भरी हुई है पूरी गाड़ी, चार गाड़ी हमारी फुल है। Thank you.
गाइस ये मोड़ बहुत छोटा सा था तो हमारी यहाँ गाड़ियाँ फंस चुकी थी, अभी ये फॉर्च्यूनर आ रही है। से राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ डीके जी आए हैं, ये देख सकते हैं आप। आगे मेरे यहाँ के दो तीन ब्लॉग हैं, सर्दियों के भी हैं, गर्मियों के भी। अब गर्मियों में यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ़ नहीं होती, और अब हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे। और खाया हमने कुछ नहीं, सब भूखे हैं, बहुत काफ़ी भूख लगी हुई है, बस बना रहे हैं, उसके बाद खाएँगे, थोड़ी रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएँगे यहाँ से घर। और ये आप देख सकते हैं पीछे जितने हट हैं, आपने देखे होंगे मेरे आगे वाले ब्लॉग में भी। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं पीछे, वो पूरा कितना अच्छा व्यू है। और काफ़ी गर्मी थी पहले नीचे, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। और अब हम यहाँ रेस्ट करेंगे, काफ़ी सर दर्द हो चुका है और काफ़ी भूख लगी है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब ऊपर आकर बैठे हैं आराम से ठंडी हवा में, तो यहाँ हम रेस्ट कर रहे हैं। बाकी सारे नीचे हट पे हैं और उन्होंने हमें वहाँ बैठने दिया, काफ़ी तंग कर रहे थे, मेरे को सिर दर्द था तो मैं सोया हुआ था, तो जैसे मैं सोया होता था वो ऊपर आके मेरे स्मैक मारने लगते थे मुझे, तो इसलिए हम वहाँ से, तो अब यहाँ पर ये पार्सल में आराम से अलग आके बैठे हैं। और अब हो रहे हो गए धूप में, पता नहीं क्यों बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर कई इस टाइम धूप में भी इतनी ठंडी हवा चल रही होती है, गर्मियों में भी, कि मतलब गर्मी का एहसास नहीं होता कि यहाँ पर गर्मी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा चल रही होती है, पेड़ है और काफ़ी मतलब बाकी पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी, उस वजह से यहाँ पर गर्मी पता नहीं चलती, जिस वजह से यहाँ ठंडी हवा चल रही होती है। तो हम उल्टे रास्ते से जा रहे हैं एडवेंचर करते हुए, आगे आगे तरुण भाई जा रहे हैं, पीछे पीछे हम जा रहे हैं, पता नहीं आगे से रास्ता आया नहीं है उतरने का। ओ भाई तू तो उतर गया, मैं कैसे उतरूंगा। तो ये हम सेफ लैंडिंग करके नीचे पहुंच चुके हैं, यहाँ से आए हैं ऊपर से, यहाँ से। तो गाइस अभी हमारा चूल्हा जो है वो रेडी हो चुका है, यहाँ पे चिकन बनाने लगे हैं। ये तरुण भाई, ये बानू भाई आगे की शक्ल बस अभी यहाँ पे बनाने लगे हैं हम। तो गाइज अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं, और अब इस व्लॉग को यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कैसा लगा आज का टूर? बहुत बढ़िया सर, लोगों को हमने पहले राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद थोड़ा हमने अपनी लाइफ में एंजॉय किया। एंजॉय सर जरूरी है, बिल्कुल। बाय, ठीक है, डन। तू बोल दे अब कुछ बोल।